सुप्रभात दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। खूबसूरत वादियों के बीच महकती नजारों के साथ चलते हैं गन हिल पॉइंट पे। ये देखिए आज का दिन 14 अगस्त और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ्रेश सीजनल फ्रूट्स और सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, रवा उपमा और ये देखिए स्टफ वेजिटेबल पराठा और ये है पूरी और आलू की सब्जी, उसके साथ म्यूसली भी थी। तो ये है ब्रेकफास्ट दोस्तों। देखिए कितना बेहतरीन अरेंजमेंट किया गया है वकील की तरफ से, जहाँ पर हम दिखें और हम चाय पी रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट चाय थी और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि सुबह इतना अच्छा खाना मिलने के बाद तो दिन तो अच्छा ही होता है दोस्तों। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है दोस्तों और हम निकल पड़े मसूरी की मॉल रोड पे। अच्छा दिन है आज, काफ़ी सारे पॉइंट्स हम कवर करना चाह रहे हैं, देखते हैं कितना पहुंच पाएंगे। एक्चुअली 2 दिन से बारिश हो रही थी तो हम ज़्यादा कवर कर नहीं पाए, बट आशा है आज कुछ अच्छे सीनिक व्यू पॉइंट्स कवर करें। आपने लास्ट वाला वीडियो देखा था, मॉर्निंग का जो वॉक था अपना, जो पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी चौक तक, वो कितना ही शांत था। और ये अभी देखिए, ये देखिए ताज बिल्डिंग्स, ये 1933 की बनी हुई है, प्री इंडिपेंडेंस एरा की है, ब्रिटिशर्स के समय की है। ये भी देखिए, कि छोटे से शहर में इतना ज़्यादा व्हीकल्स आना भी एक अपने आप में बड़ा उसका चार्म को डिस्टर्ब करता है। ये देखिए पहुंच गए बहुत फेमस लवली ऑमलेट सेंटर मसूरी। पूरे रास्ते में देखिए गाड़ियों का इतना शोर रहा, इतना शांत एरिया जो है मसूरी का मॉल रोड, आप पैदल ही घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें इतनी गाड़ियों का आवाज़ हर किसी टूरिस्ट को अच्छा नहीं लगता है। लोग अपना कंफर्ट सोचते हैं कि गाड़ी में बैठ के हम घूमें, लेकिन ये सही बात नहीं है। आप शहर से इस तरह के पहाड़ों पे इसलिए आते हैं क्योंकि आपको शांत माहौल चाहिए, आप इंजॉय करने आते हैं, फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इतना शोर होने से आपका ना जो मन है वो उतना विचलित हो जाता है, आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। जितना स्टे आप इंजॉय करना चाहते हैं उतने अच्छे तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही फेमस जंक्शन पॉइंट है जो अभी आपने देखा कालसंग रेस्टोरेंट में, और ये देखिए लोकल्स भी ठहरते नहीं हैं, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा स्पीड में आती हैं, लोग पैदल चल रहे हैं
अपना एक रिलैक्स टाइम लेके चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए हैं। किससे बात है? और दोस्तों ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये गोंडोला जो है, ये सीधा आपको कम से कम 400 मीटर हाई गन हिल पॉइंट तक ले जाएगा। ये मॉल रोड पे ही है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, हम लोग भी अभी आपको लेके चलेंगे गन हिल पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गन हिल का स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखिए, हम एंटर कर रहे हैं। 180 का टिकट है, दिखाता हूँ आपको। ये 180 का टिकट है, एंट्री कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गन हिल जो पॉइंट है। यहाँ से गोंडोला से हम निकल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा, आपने देखा ऊपर से नज़ारे, और नीचे लौटते समय भी आपको नज़ारे दिखाऊंगा। तो ज़रा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ मैं गन हिल के बारे में। ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, गन हिल पॉइंट। आप अगर मसूरी आते हैं तो इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। ये आपका जो है, ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है मसूरी पे, जो मसूरी का जो टूरिज्म है इसको बहुत प्रमोट करता है। तो देखिए, आप पहुंच गए हैं गन हिल पॉइंट। बड़ा अच्छा लोकेशन है, एक्चुअली काफ़ी हाइट पे है, और आज थोड़ा सा मौसम साफ हो रहा है, तो आशा करते हैं कि दिखे यहाँ से। तो आप जो देख पा रहे हैं, ये गन हिल जो पॉइंट है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो ऊंचाई है, ये कम से कम 2024 मीटर यानी कि 6640 फीट मीन सी लेवल से ऊपर है। और इससे आप जो व्यू है मसूरी का, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। सनसेट के लिए बड़ा फेमस है, यहाँ पर लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए। 360 व्यू, 360 डिग्री आप इसका व्यू ले सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि गन हिल, जिसका नाम गन हिल है, तो बेसिकली यहाँ पर एक कैनोन रखा गया था ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिशर्स के द्वारा। वहाँ पर जो नीचे में जो लोग रह रहे हैं कंटोनमेंट में, या वहाँ के जो लोकल लोग रहते थे, तो समय कैसे बताया जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि 12 बजे ये तोप चलाते थे, और उससे लोगों को पता चलता था कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और आप देखेंगे, ये जो गन हिल पॉइंट जो है, अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन के वजह से काफ़ी सारे शॉप्स आ गए हैं, सब ने काफ़ी अपने दुकान यहाँ पर लगाए हैं। लेकिन ये जो शॉप जो जिस पे खड़ी है, मतलब जो प्लेटफॉर्म पे, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा वाटर टैंक है, वाटर रिजर्वर है पूरे मसूरी के लिए। तो लोग इसको भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली वो एक वाटर टैंक पे हैं, घूम रहे हैं।
तो मैं चाहा कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। इसमें जो शॉप है उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है वो मॉल रोड पे इतना ही हेविली है कि लोग उसका जो इंटरेस्ट है वो शायद यहाँ से उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि यह बहुत ही जो शॉप है बहुत ही बेसिक से शॉप्स हैं, बच्चों के खिलौने के हैं आप देख पा रहे हैं इस तरह के शॉप्स हैं। तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉप मॉल रोड पे ही है, तो इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ाया जा सकता है। बच्चों के लिए यहाँ पर मैजिक जो हाउस है वो है कुछ, ये जो आप देख पा रहे हैं मेजरली बच्चों के लिए ही है। लोग यहाँ पर अक्सर इसलिए आते हैं कि क्योंकि आप यहाँ से पूरा मसूरी आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा व्यू मिलता है, और विंटर में तो स्नो काफ़ी हेवी होती है, वो भी एक अच्छा नज़ारा मिलता है। यहाँ पर काफ़ी खाने पीने की जो जगह हैं, आप यहाँ पर आके थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। ये देखिए नीचे व्यू कितना कितना ब्यूटीफुल है। अब हम वापस चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मसूरी मॉल रोड से गन हिल के पॉइंट जो है, ये दो तरह के रास्ते हैं। एक तो ये गोंडोला से आप आ सकते हैं जो केबल कार के थ्रू, और एक है जो पैदल भी आ सकते हैं। 180 का टिकट था उस समय जब हम गए थे, तो आप डेफिनेटली इसको अवेल कर सकते हैं, और कम से कम 5 मिनट का जर्नी रहेगा, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। हम वापस अब नीचे जाएंगे, आपको दिखाते हैं कि इसका राइड कितना इंटरेस्टिंग रहता है, और आप इसका जो रिटर्न टिकट है वो जो टिकट आपको दिया जाता है उसी में ही कंबाइंड रहता है रिटर्न टिकट का, तो वो टिकट संभाल के ज़रूर रखें। और अगर आप गन हिल आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अच्छे स्पोर्ट्स शू पहन के आएँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है जो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बार क्या होता है बारिश या गीले वजह से ना ये थोड़ा स्लिपरी हो जाती है, और अक्सर इस तरह के पहाड़ों में ट्रैकिंग शूज़ बड़ा हेल्पफुल रहता है। ये देखिए बादलों को चीरते हुए जो केबल कार है वो आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मेरा ये मानना है अगर आप मसूरी अगर नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार जो रेनी सीज़न में अगस्त के महीने में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मिस्टी जो एनवायरनमेंट रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और विंटर में तो स्नो होता है वो आपको तो काफ़ी जगह मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जो मिस्ट वाला सिचुएशन रहता है जो एंजॉय कर रहे हैं वो आपको मसूरी में मिलेगा। आप ज़रूर आए यहाँ देखने के लिए। ये देखिए कितना हेवी पुली सिस्टम है, यहाँ पर सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा गया है, और ये देखिए नीचे की जर्नी। तो हम चल पड़े यहाँ से, हमारी केबल कार आ गई है गंडोला, अब हम इससे जाएंगे वापस नीचे मसूरी रोड पे। अथॉरिटी से एक मुझे एक सजेशन देना है, आप देखिएगा कि लोग ये गोंडोला में इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो जो इसका जो जर्नी है वो एंजॉय कर सकें। आपको दिख रहा है कि ये शीशा साफ नहीं होने के वजह से आपको साफ नहीं दिख पा रहा है कि इसका जो ब्यूटी है वो कैसा है,
दूसरा ये जो जो ट्रेल है गंडोला का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ काफ़ी सारे मतलब जिसको कहते हैं ना प्लांटेशन होनी चाहिए फूलों की, और इस तरह का जो रूफ टॉप है जो कि बेयर है, काफ़ी खुला है, जहाँ पर आपको उसकी जो छतें दिख रही है उसको भी अच्छे ग्रीनरी से कवर कर दीजिए, ताकि लोगों को ना वो जर्नी है जो 5 मिनट की भी हो तो भी जर्नी इंजॉय करें, लोगों को वो नेचर के साथ कनेक्टेड फील करें। और मसूरी में तो इतने अच्छे फूल होते हैं, जो जंगली फूल होते हैं यहाँ पर वो भी इतने मनमोहक होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं अथॉरिटी से निवेदन करता हूँ कि इस बारे में ज़रूर देखें, ग्रीनरी थोड़ा और बढ़ाएं। और हम वापस पहुंच गए, ये सीधा देखिए हम नीचे जो जा रहे हैं यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है और मॉल रोड है। तो दोस्तों कैसा लगा जर्नी ज़रूर आप हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। गन हिल पॉइंट हमारा काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ हमारा गन हिल पॉइंट पे। उसी के साथ ये देखिए ये जो हम गन हिल पॉइंट पे जा रहे थे वहीं पर आपको ये एक राइट अप मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा इन मसूरी। बॉलीवुड की पहली पसंद रही है मसूरी पे शूटिंग करना, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। द हैंड पुल्ड रिक्शा, तो हम मसूरी रोड पे आ गए हैं। गन हिल आप देख पा रहे हैं जो साइन बोर्ड पे हैं, मॉल रोड पे हम खड़े हैं। अब यहाँ से हम चले महात्मा गांधी जो स्टैचू है एड्री चौक पे, वहाँ तक जाएंगे। और ऑन द वे में दिखाते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने को मिलती है आप लोग को हमारे थ्रू। ये देखिए ये वहाँ पर लोकल जो फर्न्स होते हैं, जो आपको काफ़ी सारे बुकेज में, फ्लावर बुकेज में दिखेगा, वो इसका जो प्लांटेशन है। मैं अपने दिल्ली NCR के भाइयों से निवेदन करूंगा कि मसूरी अगर जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, आप अपनी गाड़ियों का कंफर्ट थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जिस नेचर की तलाश में आप जाना चाहते हैं उसको उसी नेचर को उसी ब्यूटी के साथ ही प्रिजर्व करके रखें। देहरादून तक तो देखिए वंदे भारत है दिल्ली NCR से, आप उससे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए कम से कम 1.5 घंटे में आप मसूरी पहुंच जाएंगे, बस वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट है, टैक्सीज भी चलती है। और मसूरी में देखिए इस तरह का रिक्शा, हैंडपुल रिक्शा है, उससे भी आप एंजॉय करके पूरे मॉल रोड को घूम सकते हैं। अब आप देखिए इतने शोर होने के बावजूद आप एग्जैक्टली नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शोर है, बहुत शोर है। भुट्टे मैंने और किसने धावा ने बड़ा पतला है भाई साहब, ये सब ये क्या है, ये कितना है, ये स्पीड पे नहीं, ये 70 जाएगा। अब टम भुट्टा खा रहे हैं हम लोग, और ये है मॉल रोड। देखिए कितना आवाज़ हो रहा है, आप सिटी लाइफ को छोड़ के आते हो और फिर भी आप इतना भीड़ भड़ाका में आपको रहना पड़े तो उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जितना कमर्शलाइजेशन को अवॉइड कर सके आप ज़रूर कीजिए। और कुलरी बाज़ार से लेके ये जो लाइब्रेरी चौक है, मतलब पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी चौक कम से कम अगर आप देखेंगे 2 किलोमीटर का रास्ता है, आप आराम से पैदल आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलिए और नेचर को एंजॉय कीजिए।
ये देखिए हम पहुंच गए हैं महात्मा गांधी जो स्टैचू है लाइब्रेरी चौक पे। इसमें भी देखिए इतनी गाड़ियां हैं, मैक्सिमम दिल्ली NCR पंजाब चंडीगढ़ यहाँ से लोग आ रहे हैं क्योंकि इनके लिए वीकेंड डेस्टिनेशन बन गया है मसूरी। तो मैं फिर से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, मसूरी ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इंजॉय करके आइए, आपको और अच्छा लगेगा और दूसरों के लिए भी आप अपने लिए एक थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं। तो हम चलें पहाड़ी खाना खाने यहाँ पर बॉल रोड पे। उपहार कुछ लोगों ने बताया कि आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है, पुराने दिनों की फोटोग्राफ से इन्होंने डेकोर किया हुआ है, लेकिन इसका वेटिंग टाइम और जो हम खाना चाह रहे थे वो अवेलेबल नहीं था, या पता नहीं शायद उनका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो उतना सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमें मजबूरन वापस जाना पड़ा क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो हम इसके बाजू में दुकान में गए। दोस्तों मॉल रोड का जो मौसम है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और ये हम पहुंच गए हैं राजकमल रेस्टोरेंट में, वहाँ के अंदर जाएंगे और खाएंगे यहाँ पर पहाड़ी थाली। हम एंटर कर चुकी थाली जो है पहाड़ी थाली वो आ चुकी है, पतियम फूड है। ये भी काफ़ी हिस्टोरिक है, ये एक्चुअली राजकमल शायद यहाँ पर मूवी स्क्रीनिंग होती थी उस समय, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट बना दिया इसको, हमने खाया यहाँ पर जो लोकल थाली है, काफ़ी अच्छा रहा खाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर आप हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से, ज़रूर हमें मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए।